नमस्कार, आज हम ओल्ड सीडी और सीडी कवर से एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम बनाने जा रहे हैं। इसमें आप अपने बच्चों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी क्राफ्ट है, बट इसका आउटकम बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए सबसे पहले सीडी को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उस पर एक स्क्रैच लगाकर टेप की हेल्प से हम उसका स्टिकर रिमूव करेंगे। सीडी के पूरी तरह से क्लीन होने के बाद हम एक पेपर पर बनाए हुए डिज़ाइन को ग्लास कलर्स और 3D कोन्स की हेल्प से सीडी पर ट्रेस करेंगे। हम ग्लास कलर्स का यूज़ इसलिए करेंगे ताकि सीडी पर बनाया हुआ डिज़ाइन हमें दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट दिखाई दे। ग्लास कलर्स के अच्छी तरह से सूख जाने के बाद आप इस पर 3D कोन से आउटलाइंस बना सकते हैं। मैं यहाँ इसे कुंदन से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मिरर्स भी लगा सकते हैं। इसी तरह और भी सीडीज पर डिज़ाइंस बनाई जा सकती हैं। आप चाहें तो फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हैं। इसमें परफेक्शन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आप जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इसलिए आप इसके प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। अब हम कुछ लीफ शेप सीडीज काटकर उन्हें भी डेकोरेट करेंगे। किसी भी पतले तार या पिन को गरम करके सीडी में आराम से होल किए जा सकते हैं। अब हम कुछ बीड्स लेकर इन सभी को असेंबल करेंगे। आप इन्हें अपने हिसाब से असेंबल कर सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, पर मैंने यहाँ 3 सीडीज को एक ही रो में लगाया हुआ है। ये कुछ और डिज़ाइंस और कॉम्बिनेशंस हैं जो आप बना सकते हैं। ये रहा हमारा फाइनल लुक। इसे आप विंड चाइम की तरह अपने बेडरूम में, वॉल हैंगिंग की तरह अपने लिविंग रूम में, या फिर सन कैचर की तरह अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम सीडी कवर से लैंप बनाएंगे। यहां भी हम कवर्स पर ग्लास कलर्स करेंगे, क्योंकि ग्लास कलर्स ट्रांसपेरेंट लुक देते हैं और जो कि लैम्प के शेड के लिए सूटेबल हैं। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए आप हॉट ग्लू गन या फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो। इनके बीच के गैप्स को फिल करने के लिए हम कार्डशीट का यूज़ करेंगे। आगे की तरफ से कार्डशीट को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ ब्लैक इलेक्ट्रिक टेप का यूज़ किया है। इस बात का ध्यान रखें कि सभी साइड्स की साइज सेम हो। अब हम चारों साइड्स को असेंबल करेंगे। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए मैंने हॉट ग्लू गन और टेप का यूज़ किया है। इसे और भी मजबूती देने के लिए अंदर से भी मैंने कार्डशीट लगाई है।
आप बाहर भी टेप की जगह कार्ड शीट यूज करके उसे ब्लैक कलर से कलर कर सकते हैं। इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने पतले वायर से इसके सभी साइड्स को आपस में टाई कर दिया है। आप चाहें तो घर पर अवेलेबल लेसेस या गोटे की हेल्प से इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसे अपने एक पुराने नेक पीस से हैंग किया है। आप चाहें तो इसमें किसी भी तरह का धागा लगाकर इसे हैंग कर सकते हैं। इसमें वायर और होल्डर की हेल्प से एक लाइट लगा दीजिए और लीजिए, हमारा लैम्प शेड बिल्कुल रेडी है। ये रात में जितना खूबसूरत दिखता है, दिन में भी उतना ही खूबसूरत दिखता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।